बैक टू विशाल कुमार चैनल। आज जो है मैंने अपने चैनल का नेम चेंज कर लिया है, 2 दिन पहले कर लिया था, अपने नाम से ही कर लिया मैंने चैनल का नेम विशाल कुमार के नाम से। आज मैं आपको जो है प्ले स्टेशन 2 के रिमोट के बारे में बताऊंगा कि कौन सा रिमोट आपको प्ले स्टेशन 2 में लेना चाहिए, कौन सा नहीं। क्योंकि गाइज प्ले स्टेशन 2 आप ले लेते हो उसके रिमोट ओरिजिनल नहीं मिलते, कॉपी मिलते हैं जो कि ये वाले होते हैं। देखो ये उसकी तारें होती है, तार ख़राब हो जाती है, 60-70 रुपये में चेंज होती है, फिर महीना भर चलेंगे, फिर तार ख़राब, कभी ये चीज़ कभी ये चीज़। तो गाइस जो रिमोट हैं ये ज़्यादा समय तक चलते नहीं है, बस 2-3 महीने के लिए चलते हैं रिमोट, फिर आपको दिक्कत देते रहेंगे बाद में। तो गाइस वायरलेस में भी आते हैं कंट्रोलर में, आपको दिखाता हूँ एक मिनट। जैसे कि गाइस ये देख सकते हैं, ये वायरलेस में ट्रांसपेरेंट है, ये देखिए यहाँ पर लग जाते हैं इसके अंदर सेल। इसके देखिए अभी सेल है नहीं, वरना गाइस मैं आपको चालू करके दिखाता है, LED लाइट्स है इसके अंदर रेड कलर की। वो गाइस बहुत ही बढ़िया रिमोट है ये, इसको मुझे लिए हुए हो चुके हैं शायद से 8 महीने हो चुके हैं, अभी तक गाइस कोई दिक्कत नहीं दी है इस रिमोट ने। बहुत ही बढ़िया रिमोट है, मोटर वगैरह सब लगी हुई है। हाँ गाइस थोड़ा कॉस्टली आएगा आपको, 400-500 रुपये का पड़ेगा। गाइस सबसे बढ़िया बात इसकी ये है कि आपके ये PS1 में भी चलता है, 2 में भी चलेगा, PS3 में भी चलेगा। इसका रिसीवर है नहीं मेरे पास, इसका जो रिसीवर आता है एक मिनट दिखाता हूँ मैं, शायद से अगर है मेरे पे। गाइस रिसीवर नहीं है, ये दूसरे रिमोट का रिसीवर है, उसका भी गाइस उस रिमोट का रिसीवर इसी की तरह होता है, बस यहाँ पे एक USB की तरह निकला होता है जो आपको अपने PS3 के USB में लगाना होता है और आपका जो रिमोट है चल जाएगा। ठीक है गाइस ये देख सकते हैं मेरे पे एक और है, ये रहा, ये उसी का रिसीवर था जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये रहा उसका रिसीवर, ये देख सकते हैं ये रिसीवर, ये भी ट्रांसपेरेंट है। और गाइस ये रिमोट उससे भी बढ़िया है, ये देख एक मिनट मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, ये रहा गाइस रिमोट कितना बढ़िया है गाइस। ये भी इसको भी मुझे लिए हुए साल भर से ज़्यादा हो गया, शायद से 1.5 साल हो गए से लिए हुए, और गाइस इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आई। गाइस दिक्कत इसके अंदर इसलिए नहीं आती क्योंकि जो ये है रिमोट हाई क्वालिटी के रिमोट होते हैं लेकिन ओरिजिनल नहीं होते, ये भी कॉपी होते हैं, थर्ड पार्टी रिमोट होते हैं। देख सकते हैं ये पता नहीं कौन सी कंपनी का है, ये स्नोपी कंपनी का है, वो कोई दूसरा कंपनी का है। लेकिन गाइस आप अगर रिमोट ले रहे हो ऐसे तो एक बार आप आराम से आधा पौना घंटा चेक कर लो कि जो कनेक्ट है वो ढंग से कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि कभी कभार जो है इसका रिसीवर जो कनेक्ट होता है यहाँ से हट जाता है, डिसकनेक्ट हो जाता है अपना आप ही, और जो फिर आपको ऑफ करना पड़ेगा फिर दोबारा ऑन करना पड़ेगा। तो गाइस अगर आप रिमोट ले रहे हो तो एक बार चेक कर लो ऐसे रिमोट लेने से पहले। और गाइस अब इसके अंदर बात करते हैं इसका ओरिजिनल रिमोट जो आता है, एक मिनट दिखाता हूँ ओरिजिनल भी आपको। गाइस ये रहा ओरिजिनल, ये देखिए गाइस ये तो सोनी का ओरिजिनल है, ये रहा पहचान ओरिजिनल की, कार भी इसकी ओरिजिनल है। इसको मैंने, ये मेरा नहीं है, मेरे फ्रेंड का है, ये आई थिंक उसका हो गया 4.5 साल हो गए इसको लिए हुए, 4.5 साल में गए तो कोई दिक्कत नहीं आई इसके अंदर, 4.5 साल कोई दिक्कत नहीं आई इसके अंदर, का पट्टा भी ख़राब नहीं हुआ 4.5 साल गए देख सकते हो। और कॉपी वाला आपका चलेगा 2-3 महीने, वो आता है 200 रुपये का, ये आपके वायरलेस में आते हैं ये आपको मिल जाएंगे 400-500 के। हाँ गाइस ये आपको थोड़ा महंगा देखने को मिलेगा, 600 रुपये का मिलेगा, 600-500 का। और गाइस अगर ले रहे हो तो चेक करके लेना, वरना आप ओलेक्स पर भी चेक कर सकते हो, ओलेक्स पर भी मिल जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं होती गाइस इसके अंदर। क्योंकि गाइस प्ले स्टेशन 2 आप ले लेते हो उसके रिमोट बस जो है वो ज़्यादा बढ़िया नहीं चलते, फिर आपको दिक्कत देते हैं रिमोट, और बार बार उनके तार चेंज कराओ, उनका बटन चेंज कराओ। इससे बढ़िया गाइस या वायरलेस ले लो या फिर ये ओरिजिनल ले लो, एक ही बारे में सबसे बढ़िया गाइस 1.5-2 साल के लिए फ्री हो जाओगे। क्योंकि मुझे भी इनको लिए हुए, एक को 8 महीना हो चुका है और इस वाले को लिए 1.5 साल हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक। और गाइस अब बात करते हैं PS3 के रिमोट के बारे में, मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस ये रहा PS3 का रिमोट, ये देखिए चालू हो गया, ये ओरिजिनल है गाइस। इसमें भी कॉपी आपको मिल जाता है, 500 रुपये का मिलता है, उसमें भी गाइस सेम प्रॉब्लम है, उसमें तो है तो गाइस वो वायरलेस, लेकिन गाइस उसके अंदर जो बैटरी है वो बहुत बेकार होती है, जो उसकी बैटरी है ज़्यादा समय चलती नहीं है, 5-6 महीने या फिर साल भर चल जाती है, साल भर से ज़्यादा उसकी बैटरी नहीं चलेगी, फिर आपको बैटरी चेंज करवानी पड़ेगी, फिर कभी कभी तो गाइस उसके अंदर का पट्टा ख़राब हो जाता है और ये चीज़ भी ख़राब हो जाती है। देख सकते हैं आप 4 बटन और ये एनालॉग स्टिक, ये गाइस स्टिक आपको 100 रुपये की लगती है, और कॉपी में गाइस ये बहुत जल्दी ख़राब होती है, मेरे पास भी है कॉपी, वो 4 या 5 बार रिपेयर हो चुका है। तो गाइस ये मुझे ओलेक्स पे मिला था ओरिजिनल, तो मैंने काफ़ी सस्ता लिया था, 250 रुपये का लिया था, और उसको भी 2-3 महीने हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई इसके अंदर। और गाइस अगर आपको ओरिजिनल नहीं मिल पाता तो मैं आपको एक रिमोट दिखाता हूँ एक और, आप वो ले सकते हो, वो बहुत बढ़िया रिमोट है, ये रहा गाइस ये देख सकते हैं, Xbox One की शेप में है, लेकिन है ये ब्लूटूथ रिमोट है, ये देख सकते हैं ये हो गया चालू,
देख सकते हैं रिमोट की क्वालिटी देखिए ना। ये गाइस आपको महंगे मिलेंगे, 1500 या 1600 के मिलेंगे, लेकिन गाइस ये जो चीज़ है बहुत बढ़िया चीज़ है। इसका आपको डोंगल मिलेगा जो अपने आपको PS3 के USB में लगाना है। USB में लगाने के बाद आपको उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा और अपना फिर कनेक्ट हो जाएगा आपके PS3 से। फिर गाइस अपना चला, उसका बैटरी बैकअप भी बहुत बढ़िया, हफ्ते भर आराम से चलेगा बिना कोई दिक्कत के। मेरे पास गाइस 3 है, एक MKT फोक्स का है, रेड गियर का है और एक ये क्लो वायरलेस का है। सबसे बढ़िया गाइस मुझे लगा बैटरी के मुकाबले में यही लगा है, क्योंकि गाइस ये काफ़ी बढ़िया रिमोट चल रहा है, अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। अगर आप PS3 ले रहे हो और आपको कॉपी रिमोट नहीं लेना, तो आप कॉपी रिमोट की जगह आप ये रिमोट ले सकते हो, लेकिन आपको मिलेगा फ्लिपकार्ट पे, आपको फ्लिपकार्ट से लेना पड़ेगा। अगर आपको सबसे बढ़िया रिमोट जो लेना है PS3 में कोई दिक्कत ना आए, तो आप ले सकते हो रेड गियर प्रो का, जिससे भी अच्छा है, क्योंकि उसका बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा हो, काफ़ी जल्दी कनेक्ट हो जाता है बिना कोई दिक्कत के आप ले सकते हो। क्योंकि गाइस PS2 और PS3 के और PS1 के रिमोट कॉपी आते हैं, ओरिजिनल नहीं आते, PS4 और PS5 का आ रहा है। तो इसलिए गाइस मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि ऐसे मेरे बहुत से जो है सब्सक्राइबर है जो बेचारे रिमोट कंसोल ले लेते लेकिन रिमोट से काफ़ी परेशान रहते हैं, मेरी तरह जैसे मैं रहता था पहले। तो गाइस यही है, मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आप PS2 का ले रहे हो तो आप वायरलेस और ओरिजिनल की तरफ जा सकते हो। अगर ओरिजिनल नहीं मिलता तो वायरलेस की तरफ जाओ, चेक करके लेना वायरलेस में। अगर आप ले रहे हो, दुकान वाले को बोलना कि मुझे आधा पौना घंटा चेक करना है तभी लूँगा, वरना नहीं लूँगा। अगर दुकानदार मना कर देता है कि नहीं चेक करने का नहीं है, आपको चालू करके दिखा देते हैं, तो गाइस मत लेना, चेक करके ही लेना, क्योंकि यार इसके अंदर भी बहुत ख़राब रिमोट आते हैं, फिर आप भी लेके फंस जाओगे। और PS3 का मैंने बता दिया है, अगर ओरिजिनल मिलता है तो ओरिजिनल आपको 800-900 रुपये का पड़ता है। अगर गाइस ओरिजिनल भी आपको अच्छे कंडीशन में नहीं मिलता, तो आप 200-300 रुपये मिला के ऐसे रिमोट ले सकते हो जो कि आपके ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएंगे PS3 के। ठीक है गाइस, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपके लिए ही बनाई थी, और मैंने मेन टॉपिक यही था कि मैं आपको बता दूं कि और भी PS2 और PS3 के रिमोट आते हैं ऐसे जो आप ले सकते हो, क्योंकि PS3 का गाइस कॉपी आपको 400-500 रुपये का मिलता है और चलता नहीं है, बेकार ही होता है एक तरीके से। तो गाइस वीडियो मैंने बना दिया इनके ऊपर, ये देख सकते हैं, ये PS3 का है, ये आपका PS2 का है, और जो तीसरा है वो आपका PS3 में भी कनेक्ट हो जाएगा। सबसे बढ़िया गाइस वही है, अगर आपको सस्ते में कोई रिमोट लेना हो, बढ़िया रिमोट लेना है, तो गाइस मुझे सबसे बढ़िया वही लगा, वो 450 का था, PS1 PS2 PS3 इन तीनों में चल जाता है वो बिना कोई दिक्कत के। मैंने PS1 में भी चला के देखा है उसे, PS2 में भी चला के देखा है, PS3 में भी चला के देखा है। बस गाइस ये है कि इसके अंदर जो सेल लगते हैं तीन इस साइड सेल लगते हैं गाइस, बाकी रिमोट ये बहुत दोनों बढ़िया रिमोट है काफ़ी। तो मैं गाइस यही बताना चाहता हूँ कि आप इन रिमोट की तरफ जा सकते हो बिना कोई दिक्कत के। और गाइस फ्लिपकार्ट से तो आपको काफ़ी रिमोट मिल जाएंगे, जिसकी क्लो का मिल जाएगा, MKT वो फोक्स का मिल जाएगा, और रेड गियर प्रो मिल जाएगा, और कॉस्मिक बैट का मिल जाएगा, कॉस्मिक बैट का भी गाइस काफ़ी अच्छा है, वो मैंने यूज़ किया हुआ है। तो गाइस ये रिमोट आपको मिल जाएंगे, और PS4 के ऊपर भी गाइस मैं बनाऊंगा रिमोट, PS4 के रिमोट के बारे में कि आपको कौन सा मतलब बजट में सबसे बढ़िया रिमोट रहेगा, क्योंकि गाइस PS4 में भी एक नए रिमोट्स निकले हैं जो आपके PS4 और PS5 से भी कनेक्ट हो रहे हैं, काफ़ी बढ़िया रिमोट है, उनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा। ठीक है गाइस, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना याद से। ये जो वीडियो है मैंने सिर्फ आपके लिए बनाई थी, क्योंकि कमेंट्स में काफ़ी बंदों ने मेरे को बोला था कि वही कंट्रोलर के ऊपर भी बनाऊं, तो गाइस ये फाइनली मैंने वीडियो आपके लिए बना दिया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं देखिए वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, और वीडियो का लाइक और शेयर कर देना, कमेंट अपना प्यार सा कर देना, जैसा हर बार मेरी वीडियो में एक प्यार सा कमेंट करते हो तो मुझे काफ़ी खुशी होती है आप कमेंट देखते हैं, लाइक देखते हुए। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाय। We'll be right back.